दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का संकट पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, इसलिए मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप का और अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें, सभी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खान पान कोरोना वायरस से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना कैसे होता है, कोरोना से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ। इसके अलावा कोरोना से बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी मैं आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, उसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। आयुष मंत्रालय ने भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने की सलाह दी है। आयुष मंत्रालय ने जब से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने की सलाह दी है, बहुत से लोगों ने इसके बाद काढ़ा पीना स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियां होने लगी है और हॉस्पिटल में काढ़े से होने वाली बीमारियों के केसेस बहुत आने लगे हैं, जैसे कि पेट में अल्सर होना, शरीर में गर्मी का बढ़ना और शरीर में गर्मी के ज़्यादा बढ़ने से पिंपल्स का होना। तो साथियों, ध्यान रखें, दिन में 2 बार ही काढ़ा पिएं, ज़्यादा बार पीने से ये परेशानियाँ आ सकती है, और कई बार काढ़े में पड़ने वाली चीज़ों का सही अनुपात नहीं हो तो भी ये परेशानियाँ आ सकती है। हम आपको सही मात्रा में इन चीज़ों का प्रपोर्शन बताएंगे और काढ़ा बनाने की पूरी विधि बताएंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। अगर एक आदमी के हिसाब से देखें तो 250 ml दूध, 1 tablespoon शहद, 1/4 tablespoon काली मिर्च, 1/4 tablespoon हल्दी, 1/2 tablespoon अदरक और 1/4 tablespoon घी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। इन सब चीज़ों का अपना अपना अलग अलग प्रभाव है, चलिए इन सब चीज़ों के प्रभाव को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दूध। यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल्स को रिपेयर करता है, इसके अलावा एसिडिटी को कम करता है और हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। हल्दी, इसमें मेन कंटेंट कुरकुमिन होता है, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, एंटी वायरल एक्टिविटी और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तीसरा इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। यह कर्क्यूमिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी होती है और हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है। अगला कंटेंट आता है अदरक। यह एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है, इसके अलावा रिड्यूस नोज़िया, मतलब ये हमारी उल्टी करने की इच्छा होती है उसको कम कर देता है, इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अगला कंटेंट है घी। यह एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है, इसके अलावा ये शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और घी खाने से कब्जी भी कम होती है और कम मात्रा में यह दिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे लास्ट कंटेंट है हनी यानी शहद। यह एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है, इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप इन सब पदार्थों को इसी अनुपात में लेकर एक अच्छा काढ़ा बना सकते हैं, जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें DM कीजिए।